रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे हॉस्पिटल है, पॉपुलर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज मिला था कल, जो वैशाली से पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, अभी तक खबर आ रही है कि यहाँ पर वो पहले अपने ब्रेन का इलाज करवा रहा था। इस इलाज के बाद जब उसकी यहाँ से एम्स गया था और एम्स में जब उसकी जाँच की गई, कोरोना जाँच उसके साथ था, तब पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब आप देख सकते हैं सामने इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और नगर निगम की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हुई है और हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगल बगल की जो बिल्डिंगें हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ियां पहुंची हुई है, साथ में कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई है, यहां पर अधिकारी भी अंदर पहुंचे हुए हैं और अंदर बातचीत चल रही है। अब उस बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आगे डिसीजन क्या किया जाएगा। इस एरिया को सील करना है, हॉस्पिटल को सील करना है या फिर क्या करना है। अभी तक आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो ये पटना के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पटना में भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज आए थे उनको बाहर वापस आ चुके हैं, सभी स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन फिर से जो वैशाली से जो मरीज आया है, जो कि अभी पटना एम्स में एडमिट है, वो पहले यही हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है। बाद यहाँ से जब स्थिति ठीक नहीं हुई तो वो एम्स में गया जहाँ पर उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब इस हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पटना नगर निगम का गाड़ी भी यहाँ पर है और हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं DDC भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर और बहुत से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इस हॉस्पिटल को सील करने की बात कही जा रही है। जो हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल में जो कल जो मामला आया था आपका वैशाली से, कहा जा रहा है कि वो अपने ब्रेन का इलाज इस हॉस्पिटल में करवा रहा था। इस हॉस्पिटल में ब्रेन के इलाज करवाने के बाद जब उसकी हालत सही नहीं हुई तो उसके बाद वो यहाँ से एम्स भेजा गया और एम्स में जब उसका कोरोना रिपोर्ट सामने आया तो हैरान करने वाली बात थी। जिस तरह से उसका कोरोना पॉजिटिव आया है उसके बाद इस हॉस्पिटल में भी खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि देखने को लग रहा है कि हॉस्पिटल जो है सैनिटाइज़ किया जा रहा है, पूरा प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जा रहा है। साथ में बहुत से मीडिया के भी बंधु यहाँ पे जुटे हुए हैं इस वक्त और इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करने के बाद इसको सील करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जितने भी स्टाफ और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, उस इलाज के वक्त, या जितने भी लोग संपर्क में आए हैं उस मरीज से, उसका सभी का चेकअप किया जाएगा और चेकअप करने के बाद ही कोई भी कदम उठाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है पॉपुलर हॉस्पिटल करके नाम है इसका, बाईपास इलाके में है, मीठापुर बस स्टैंड से कुछ ही दूर पर ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो मरीज था, जो वैशाली का जो मरीज है, कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई है कल, उसको यहाँ पर रखा गया था। उसको रखने के बाद अब देख सकते हैं कि आज इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इलाज अभी वो जो व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसको एम्स में अभी एडमिट है। मौजूदा स्थिति है कि जी इस हॉस्पिटल में पहले अपना इलाज करा था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं अभी तस्वीरें किस तरह से हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना नगर निगम की गाड़ी आई हुई है, साथ में DDC की भी गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है, मीडिया के भी कई बंधु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमारे साथ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे हॉस्पिटल को सील करने की भी बात हो रही है कि हॉस्पिटल को सील किया जाएगा और हर एक व्यक्ति जो भी इस संपर्क में आया है उसको चेक किया जाएगा और पूरी तरह से उसका चेकअप किया जाएगा। कोरोना का टेस्ट है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज था वो अपना इलाज करवा रहा था पूर्व से, आज उस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और उस हॉस्पिटल से जुड़े जो भी स्टाफ है, जो भी लोग उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे, उनका अब डिटेल निकाला जा रहा है और डिटेल निकालने के बाद सभी का चेकिंग किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो भी रिपोर्ट आएंगी वो आगे की बात है, लेकिन अभी इस हॉस्पिटल को सील करने की बात हो रही है। जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है इस हॉस्पिटल का। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाईपास इलाका है, बाईपास इलाके मीठापुर से कुछ ही दूर पर ये हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था वो अपना इलाज करवा रहा था। अब इस हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने के बाद सील करने की बात की जा रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।